हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कैसे डिटेक्ट करता है डिलक्स एडिटर में। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी पहले, डिलक्स एडिटर में हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो ये आप बोले हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले फोटो ऐड कर चुका हूँ पहले से, ठीक है ना। तो मैं आता हूँ PHG। यहाँ पे देखिए तरह तरह की PHD है, मैं कोई भी सिलेक्ट करता हूँ एक लेयर। बस मेरे को कोई भी PHD को ओपन करना है। देखिए मान लीजिए मेरे को यह PHD को ओपन करना है, ठीक है ना। देखिए मेरा PHD ओपन हो गया, डबल क्लिक किया, ओपन हो गया मेरा PHD। तो मैं क्या करूँगा इसको देख लीजिए, बस शिफ्ट बटन दबा के मैं लेयर को सिलेक्ट करूँगा। देख लीजिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए मेरा सारे लेयर सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। मैं उसको डिसेबल कर देता हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया। देखिए यहाँ पे सारे लेयर सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, देखिए ये कितना लेयर सिलेक्ट हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लेयर सिलेक्ट हुआ। मैं फोटो में आता हूँ। अब मेरा वर्टिकल कितना लेयर है, 1, 2, 3, मेरे 3 ठो वर्टिकल लेयर है एंड 2 ठो हॉरिजेंटल लेयर है। तो मैं 3 ठो वर्टिकल फोटो लेता हूँ, देख लीजिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैजिक फिल इमेज को क्लिक करूँगा। देखिए मेरा ये फोटो क्या करेगा, वर्टिकल फोटो ऑटोमेटिक वर्टिकल PHD में ही फिल करेगा, कोई हॉरिजेंटल में फिक्स नहीं करेगा सर। देखिए ये हॉरिजेंटल फोटो हॉरिजेंटल में ही लगाएगा, वर्टिकल में ही नहीं लगाएगा। देखिए ये पहले क्या हो रहा था, फोटो यार्ड से लग जा रहा था और वर्टिकल फोटो सेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी डिलक्स एडिटर नया अपडेट आ गया है, आपका ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा, वर्टिकल फोटो वर्टिकल में लगेगा, हॉरिजेंटल फोटो हॉरिजेंटल में लगेगा। तो चलिए मैं और एक नया PHD ट्राई करता हूँ। यहाँ पे तरह तरह के PHD दिया गया है, बस मैं इसको क्लिक करूँगा। देखिए मेरा नया PHD ओपन हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्योंकि मेरा 7 लेयर सिलेक्ट हो चुका है। मैं सो ट्रांसफर को डिसेबल कर देता हूँ। इसके बाद मैं फोटो में आता हूँ। बस यहाँ पे 2 वर्टिकल प्लेन में, देखिए ये एक है, ये एक है, अब 4 क्या है हॉरिजेंटल प्लेन में। तो मैं 2 वर्टिकल प्लेन ले लेता हूँ। देखिए मैं 4 ठो हॉरिजेंटल लेयर लिया और 2 ठो वर्टिकल लिया हूँ, ठीक है ना। बस मैं उसको राइट क्लिक करके मैजिक फिल इमेज को क्लिक करूँगा। देखिए बस हॉरिजेंटल फोटो हॉरिजेंटल में लगेगा सर, वर्टिकल फोटो वर्टिकल में ही लगेगा, कोई अलग जगह में नहीं लगेगा। देखिए ये हॉरिजेंटल फोटो हॉरिजेंटल में ही लगेगा। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा, आपको कुछ करने के, ये देखिए वर्टिकल फोटो वर्टिकल में ही लगेगा। एक दुनिया पेज और ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, बस इसको क्लिक कर लेते हैं। देखिए मेरा PHD ओपन हो गया नया वाला। बस मेरे को क्या करना है, ये लेयर को सिलेक्ट करना है, सो ट्रांसफर को क्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरे को जानना है कौन सा लेयर सिलेक्ट किया हूँ। देखिए 5 ठो लेयर हॉरिजेंटल है, 1 ठो लेयर वर्टिकल है, ठीक है ना। तो बस मैं फोटो लेयर को आता हूँ, यहाँ पे सो डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे बस 1 ठो वर्टिकल ले लेता हूँ। देखिए 5 ठो हॉरिजेंटल फ्रेम, 1 ठो वर्टिकल फ्रेम, बस मैजिक फिल इमेज को क्लिक करूँगा। देखिए मेरा सॉफ्टवेयर क्या करेगा, हॉरिजेंटल फोटो हॉरिजेंटल में लगाएगा, वर्टिकल फोटो वर्टिकल में लगाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करेगा, डिलक्स एडिटर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा आपका हॉरिजेंटल कहाँ पे है, वर्टिकल कहाँ पे है, आपको कोई स्वैप करने की जरूरत नहीं है सर। ये नया अपडेट आया है डिलक्स एडिटर में। देखिए प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। देखिए वर्टिकल फोटो वर्टिकल में लगाया, हॉरिजेंटल फोटो सारे हॉरिजेंटल में ही लगाया सर। देख लीजिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए हमारा इंडिया में किसी को हम डीलर नहीं दिए हैं, जो भी लेना चाहते हो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी आपको यह सॉफ्टवेयर देने की वादा करता है तो वो फ्रॉड है,
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डिलक्स एडिटर।